সদনত গুজৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ। সদনৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কত অংশ ল'ব পাৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। মণিপুৰ বিতৰ্কত চৰকাৰক হলঠেকত পেলাব নেকি ৰাহুলে। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आज लोकसभा सचिवालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद पद पुनर बहाल रखे। विगत शुक्रबारे उच्चतम न्यायालय मोदी उपाधि मानहानि गोचर गुजरात निम्न आदालते गांधी विरुद्ध दिया शास्तिर राय स्थगितादेश दी। न्यायालय एक राय तीन पास केरलार वायदात हबस्ती सांसदगढ़ সংসদৰ সদস্য পদ পুনৰ বাহাল ৰাখে। লোকসভা সচিবালয়ৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকে ধৰি নেতাসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰক মিঠাই খোৱা দেখা গ'ল। देखो जी, जस्टिस एज परवेल जो मान्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पे अमल किया तो बहुत अच्छा है, जस्टिस परवेल होना चाहिए। सत्ता पक्ष वालों का डर था जिसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो गलत हुआ। हम कानून का रिस्पेक्ट हमेशा करते थे और एक बार फिर इस देश के कानून ने बताया कि लोकतंत्र सर्वोच्च है। तो कानून व्यवस्था में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का, हर नेता का और राहुल गांधी जी का खुद का पूरा पूर्ण विश्वास था और वो विश्वास जो है वो सामने दिखाई भी पड़ा। গান্ধীর সদস্য পদ উভতাই দিয়াত সরকারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করলে নেকি? সংসদত রাহুল গান্ধীর কণ্ঠলৈ ভয় করে নেকি সরকারে? যে সাজিশ কে তহত ভারতীয় জনতা পার্টি নে এক সিংহ অর্জনা কো রোকনে কি কোশিশ কি থি, রাহুল গান্ধী ইজ ব্যাক और फिर उनकी सिंगर्जना चालू रहेगी। दस्ता बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो देर शायद इसीलिए की जा रही थी, लेकिन उन्हें पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कितना रोक पाओगे आप, सूरज को निकलने से बादल कितना रोक पाएंगे। किंतु राहुल गांधी प्रति सरकार बैषम्य करा बुली अना अभियोग खंडन करिसे बीजेपी। सरकार कानून से कायदे कानून से चलने वाली सरकार है, ये किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सभी आदर करते हैं, लेकिन केवल स्थगन आदेश हुआ है और इस पर इतनी प्रसन्नता कांग्रेस जाहिर कर रही है, बल्कि इनको इस पर पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की घृणित राजनीति करना कांग्रेस की हमेशा से लगातार से मंशा रही है और देश की जनता इनके चेहरे को पहचानती, इनके चाल को पहचानती, इनके चरित्र को पहचानती है। इसलिए जनता आने वाले 2024 में इनको जनता के अदालत में उनको फिर से निराशा का हाथ लगेगा। सांसद पद घुराई पार लगे लगे सामाजिक माध्यम एक्स निजर बायो सलनी कर सांसद बुली पुनर देखिले राहुल गांधी और तार पाछते संसद भवन उपस्थित हि सांसद राहुल गांधी उपस्थित हर लगे लगे इंडिया मित्रजोटर सांसद सकले चिरी सम्भाषण जाना। পাছতে তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত সেৱা কৰে আৰু সদনত প্ৰৱেশ কৰে। 2019 চনত কৰ্ণাটকৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা এক বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ পূৰ্ণেশ মোদী নামৰ বিজেপি বিধায়কে তৰা মানহানি গোচৰত বিগত 23 মাৰ্চত চুৰটৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে 2 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। এই ৰায়ৰ পাছতে খাৰিজ কৰা হৈছিল গান্ধীৰ লোকসভাৰ সদস্য পদ। সুৰত সত্ৰ ন্যায়ালয় আৰু গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা সকা নাপায় উচ্চতম ন্যায়ালয় দ্বাৰস্থ হোৱা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ সপক্ষে শুকুৰবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰে। সাংসদ পদ পুনৰ বাহাল ৰখাৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা মণিপুৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত লোকসভাত হ'বলগীয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কত এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশ লোৱাটো নিশ্চিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সপ্তাহত মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰা ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্য আছিল ৰাহুল গান্ধী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত
নবভারতৰ কথা।